Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. जो बिजी दिन है इसमें आज हम 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं. 1.2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. 1.1 में हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर. आज जब हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, थर्ड मेथड जो है सॉल्यूशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है 1.2 के अंदर. और उसको कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है. पहले तो इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा. अरेंज कैसे होगी, सारी वैल्यूज एक साइड में कर, 0 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी ये 7x वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2. ठीक है, अब अगर मैं अरेंज करके इसको लिख दूं 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 7x, फिर माइनस 2. ठीक है, अब ये होगी मेरे पास अरेंज फॉर्म. अब हमने लगा रहे मतलब क्वाड्रेटिक तो ये प्रॉपर ये बन गई है. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे. फॉर्मूला में क्या होगा, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको हम कहते हैं ए. इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाद में एक्स का कोएफिशिएंट होगा बी, एक्स का कोएफिशिएंट बी. और जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा विदाउट एक्स वो होगा सी, वो है माइनस 2. ठीक है, ए हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट और सी होगा जो कॉन्स्टेंट हमारे पास मौजूद है. और सबसे पहले हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला रहे हैं. सर हमारे पास प्रॉपर नहीं बन गई फॉर्म, हमने इसको प्रॉपर बनाया. एक्स स्क्वायर एक साइड पर मैंने उसके साथ ही एक्स वाली टर्म मेरे कॉन्स्टेंट. अब फॉर्मूला क्या है, हमने एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है एक्स, तो एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है. प्लस माइनस लिखा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 तो x के जवाब भी 2 होने चाहिए. अब इसको अगर मैं देखूं एक प्लस वाला जवाब होगा और एक माइनस आएगा, वो जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे. अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं माइनस बी, बी मेरे पास है 7 तो माइनस बाय वैसे 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी मेरे पास 7 है तो 7 का बी 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4. फॉर्मूले का ए मेरे पास क्या है 1 और सी मेरे पास क्या है माइनस 2. ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 2 ए, ए के मेरे पास 1. अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंपलीफाई करें, माइनस 7 वैसे ही प्लस माइनस वैसे ही अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49. अब ये माइनस 4 को जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस क्या देगा प्लस, 4 2 का 8 और 1 हमारा किसी खाते में नहीं जाता, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैसे का वैसे ही देगा नंबर. डिवाइड बाय 2 वन द 2 आ गया. क्या बन जाएगी हमारे पास माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 में 8 ऐड करूंगा तो ये बनना चाहिए मेरे पास 57 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये मेरे पास आ गया 57/2. अब एक्स का मेरे पास क्या आंसर निकला, 8 माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 57/2 और दूसरा क्या निकला माइनस 7 माइनस अंडर रूट 57/2. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये फॉर्मूले वाला है कंपैरेटिवली इजी है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ सिंपल, ए बी सी जो भी आपका है नाम दो और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, अगर मैं इससे थोड़ा सा आपको बता दूं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देता हूं, आगे आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इक्वल्स टू 2 1 by 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसको तो पहले इसका क्लियर करें क्या है, नीचे में कितना पैसे ही आ जाती है, इसको एग्जाम में कितना करो 3 को 2 से 3 2 6 और इसमें जो ये वाली वैल्यू ऊपर लिखी है इसमें ऐड करो 6 + 1 हो जाएगा 7, क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इसमें ऐड कर दिया। और इधर एलसीएम ले लेते हैं, क्या तरीका, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है दोनों को मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x दरमियान में माइनस है तो माइनस वैसे ही, इसको इसके साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 बाय 3 हमारा वैसे ही आ जाएगा। इधर क्या बन रहा है हमारे पास, x को पहले 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 को 2x, x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 2 तो वैसे ही आ जाएगा, x इंटू x हो जाएगा x का स्क्वायर, अब माइनस 1 को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस 2x, क्या किया मैंने, मैंने x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, माइनस 1 को 2x से किया तो वो माइनस 2x आ गया। अब इधर भी x लिए 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 को 2x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 का 4 हो जाएगा x वैसे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना था, जब दोनों साइड पे x आ गया तो x को x से मल्टीप्लाई करते जो कांस्टेंट नंबर है वैसे, अब इधर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना था, दोनों कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो गए, जो वेरिएबल x था वो वैसे ही मेरे पास आ गया। अब माइनस से आया ये माइनस आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो ये आ जाएगा 4x, फिर x को मल्टीप्लाई करना है माइनस x से तो ये माइनस वैसे ही x को मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। x को इधर से कर दिया माइनस 1 की बात, माइनस 1 को करो 4 से तो वो आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 1 पे जब मैं माइनस x से करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x, ठीक है। अब नीचे 2x स्क्वायर माइनस 2 वैसे 2x वैसे ये 7 बाय 3 वैसे इधर क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करना तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4x है तो माइनस 4x, ये माइनस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस 4, ये प्लस x है तो ये हो जाएगा माइनस x। अब देखते हैं x स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, पहले 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, एक और टर्म है x वाली, ये माइनस x से पर ये बच गया और ऊपर और क्या टर्म बच गई है प्लस 4, नीचे क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 7 by 3, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक वेव बन जाएगी इसको इसके साथ इसको इसके साथ, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय दिस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है।
अब इसको अगर आप थोड़ा सा आगे वहीं सॉल्व करें, क्या बात है, ये 3 का 9x स्क्वायर, फिर 3 को माइनस x ही करूंगा तो वो माइनस 3x हो जाएगा, 3 को 4 से करूंगा तो वो 12 होगा, इक्वल्स हो 7 को 2 से करूंगा 7 2 14 x स्क्वायर, वैसे 7 को माइनस 2 से किया तो माइनस 14 ना देगा x, वैसे साइड हमको एक साइड पे करनी है, इधर 0 रह जाएगा, ये 14x स्क्वायर माइनस 14x वैसे, अब ये प्लस 9x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x, प्लस 2 उधर जाएगा तो सॉरी प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, 0 ही हो, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के साथ सॉल्व करो, 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकाल दिए तो कितने बच गए हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 निकालेंगे तो 11x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव साइन, अब हमारे पास क्या बच गया, खाली कांस्टेंट वही किया माइनस 12, अब सिंपल वही फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला, a हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 5, b हमारे पास क्या होगा x का कोफिशिएंट हुआ माइनस 11, और c क्या होगा कांस्टेंट हुआ हमारे पास माइनस 12, तो इसको आगे आप सॉल्व करें फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पावर 2a, ठीक है, तो कोशिश करें खुद ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछें, और लेक्चर आज के अंदर खत्म होता है, ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि मुसलमान कौन, क्या आप मुसलमान हैं, क्या वाकई में मुसलमान है या सिर्फ आप इसलिए मुसलमान है कि हमारे पेरेंट्स मुसलमान थे, ठीक है, एक्चुअली में हम जो है समझने के नाम पर मुसलमान वगैरह रख दिया, मुसलमान हो मुसलमान मतलब तब होता है जब उसके अमल मुसलमान वाले होते हैं, उसका किरदार मुसलमान वाला होता है, मुसलमान मतलब तब होता है जब आपका साथ सलूक मुसलमानों वाला हो, आपका दूसरों के साथ, आपका वालदैन के साथ, आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ सलूक ऐसा हो कि देख के पता चले मुसलमान, आपको बताना ना पड़े, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।